Hello everyone and welcome to another edition of Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia, and today's video is very important because in today's video we'll talk about the most important segment and the most important department of cricket, which is called fielding. फील्डिंग में हम लोग इग्नोर करते हैं, बैटिंग की ड्रिल्स लेकर आते हैं, बॉलिंग की ड्रिल्स लेकर आते हैं, हमारी ड्रिल्स भी काफ़ी आती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर, और भी काफ़ी ड्रिल्स अवेलेबल हैं, लेकिन फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है कि उसके ऊपर ज़्यादा ड्रिल्स हमारी अवेलेबल नहीं है। तो आज जो हम परफॉर्म करने लगे हैं फील्डिंग की एक ड्रिल, वो हम करेंगे टेनिस रैकेट के साथ और टेनिस बॉल के साथ। आइडिया इस ड्रिल के पीछे यही है कि टेनिस बॉल से जब हम टेनिस रैकेट के साथ टेनिस बॉल के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम हाई कैचिंग करेंगे तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगी। यूजुअली क्या होता है मैचेस में, आपने देखा होगा कि कैच हमेशा हमें जजमेंट में मुश्किल होती है, हमें जज करना मुश्किल होता है, यानी कि हम ये देखते हैं कि यार कैच यहाँ आ रहा है, हमारे राइट पे आ रहा है, हमारे लेफ्ट पे आ रहा है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू जज द बॉल। टेनिस बॉल क्योंकि हवा में ऊपर जाती है, लाइट वेट होती है, एयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजिशन लास्ट मोमेंट तक चेंज करती रहती है, तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि कैसे आपको बॉल जज करनी है। वंस यू गेट यूज टू फिट, आप इसको जज कर लोगे तो देन इन द मैचेस द हार्ड बॉल विल बिकम इजियर फॉर यू। सेकेंडली क्या होता है कि क्योंकि टेनिस बॉल में बाउंस ज्यादा होता है तो वो हाथ में आके ऐसे पॉप आउट बाहर निकल जाती है, तो हमें उसको अच्छे से फिनिश करना होता है, और मैच में भी हमें यही करना होता है, क्रिकेट में भी हमें यही करना होता है कि बॉल पर नजर रखनी है, उसको अच्छे से जज करना है कि कैच हमारे सामने आ रहा है या हमें थोड़ा सा बैकवर्ड भागना पड़ रहा है, किस पोजिशन में आ रहा है, उसको अच्छे से जज करना है और उसको अच्छे से फिनिश करना है। तो इसीलिए ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा और डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, कीप वॉचिंग। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की थी, अभी हम ये ड्रिल परफॉर्म करने वाले हैं, ये टेनिस रैकेट है, ये टेनिस बॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा हम कैसे करते हैं। ओके, वेल डन, वेल डन। अच्छा, अब आपने देखा कि ये बॉल बहुत ऊपर जा रही है तो उसको जज करने में मुश्किल हो रही है, हवा से बॉल घूम रही है, अगर हमने इसको अच्छे से पकड़ लिया तो डेफिनेटली हार्ड बॉल्स विल बिकम इजियर फॉर अस। मोर हायर, वेल डन जैन, टफ वन, एक्सेलेंट, आगे आ जाओ। विल ट्राई टू ब्रिंग मोर डिफिकल्टीज फॉर द फील्डर, ठीक है, रेडी, ही इज रनिंग बैकवर्ड्स, वेल डन, गुड कैच एंड एक्सेलेंट, ठीक है, स्टार्ट, वेल डन। देखें, वही आइडिया था कि बॉल अच्छे से फिनिश नहीं हो सकी तो हाथ से गिर गई। हार्ड बॉल में भी हम ये होता है, जैसे मैंने आपको बोला हम पॉइंट पे खड़े हुए हैं, पॉइंट पे शॉट आता है तेज और हाथ से ऐसे, क्योंकि टेनिस बॉल जो है ना, इसको फिनिश करने की आदत अच्छे से पड़ गई आपको और ये बॉल तेज आ रही है, तो डेफिनेटली मैच विल बिकम इजियर फॉर यू। ओके, ना 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 करो, पूरा बॉल पे नजर रखो, यू हैव टू वॉच द बॉल टिल द एंड, और उसके बाद क्लोज करो उसको, सॉफ्ट हैंड्स के साथ होने वाला है ये, अगर हाथ फर्म रखोगे तो डेफिनेटली वो बाहर निकल आएगी बॉल। ये वेल डन, वेल डन, सही है, अच्छा है, टू मोर, इंप्रूवमेंट आ रही है, शाबाश। दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस ड्रिल, पकड़ो, गुड ट्राई, लास्ट टू, लास्ट टू, वन, एनीवे, थैंक यू। अभी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से ये हम लोग फ्लैट कैचेस कर रहे थे और एक अच्छी ट्राई की, बहुत तेज आ रही थी बॉल, इट माइट लुक वेरी इजियर अगर आप देख रहे हो, लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इस पर नजर रखना और बॉल अपनी पोजीशन चेंज करती है तेजी के साथ, बट डेफिनेटली दिस ड्रिल विल गोना हेल्प यू आउट इन द लॉन्गर रन, तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस ड्रिल्स। ओके, तो जैसा अभी आपने देखा कि हमने आज फील्डिंग की बात की थी और फील्डिंग की हमने एक ड्रिल परफॉर्म की जिसमें आपने देखा कि हम लोग टेनिस रैकेट से हाई कैचेस कर रहे थे, बॉल जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, एयर प्रेशर था ऊपर बहुत ज्यादा और बॉल अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी, लेकिन आपने देखा कि फील्डर ने कैसे बॉल के नीचे आया, उसको जज किया और उन्होंने कैच को फिनिश किया। सेकेंडली क्योंकि टेनिस बॉल है और हमने फ्लैट कैचेस भी किए,
तो होता क्या है कि हम मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे हैं, कवर्स पे फील्डिंग कर रहे हैं या पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास तेज कैचेज आते हैं, फ्लैट कैचेज आते हैं, वो हमारे हाथ से आके निकल जाते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से फिनिश नहीं कर सकते। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा। तो टेनिस बॉल से जब हमने ये फ्लैट कैचेस किए तो आपको इससे अंदाजा हुआ कि इसको भी अच्छे से फिनिश करना पड़ रहा है, और ये क्योंकि बॉल की पेस बहुत ज्यादा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक गोल्डन रूल आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो चाहे बैटिंग की हो, चाहे फील्डिंग की हो, चाहे बॉलिंग की हो, हमेशा एग्जैजरेटेड होती है, एग्जैजरेटेड मोड में होती है। तो से फॉर एग्जांपल अगर आपको मैच में 100% देना है तो आपको 150 के ऊपर अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने ये किया नॉर्मल सिनेरियो में। डेफिनेटली मैचेस में क्रिकेट में तो आपको हार्ड बॉल्स के साथ ही, प्रॉपर लेदर बॉल्स के साथ ही खेलना होता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम व्हाई वी आर प्रैक्टिसिंग विद द टेनिस बॉल, लेकिन आइडिया बिहाइंड प्रैक्टिसिंग विद द टेनिस बॉल इज डेफिनेटली वन इज टू जज द बॉल परफेक्टली, हाउ टू गेट अंडर द बॉल, ऊपर जा रही है उसके नीचे कैसे आना है आपने। और सेकंडली जब आप फ्लैट कैचेस भी करेंगे तो डेफिनेटली टेनिस रैकेट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और उसको फिनिश करना अच्छे से आता है। उसमें कुछ कैचेस आपने देखा गिरे भी, कुछ पकड़े भी, कुछ अच्छे ट्राई भी हम लोगों ने किए, कुछ मिस भी हुए। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डू सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, तो मैं आपके लिए और वीडियोज भी इंशाल्लाह लेकर आता रहूंगा। एंड यू ऑल हैव अ वेरी गुड वन। थैंक यू।